हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ गार्नियर का सीरम मास्क जो कि है फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये हाइड्रा बॉम है और इसे मैं अभी अप्लाई करूंगी लाइव और जो भी रिजल्ट होगा उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग क्विकली देख लेते हैं। गार्नियर स्किन नेचुरल्स न्यू सीरम मास्क हाइड्रा बॉम सुपर हाइड्रेटिंग प्योरीफाइंग टिश्यू मास्क इंटेंसली रिहाइड्रेट मैटिफाइज स्किन एंड रिड्यूसेस पोर्स। तो ये रिहाइड्रेट करता है, मैटिफाइज करता है स्किन को और पोर्स को भी रिड्यूस करता है। और यही सारी चीज़ें पीछे भी क्लेम में लिखी हुई है, मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और हाइलोनिक एसिड सीरम है जो कि हमने इस वाले में भी देखा था। तो इसमें भी हाइलोनिक एसिड सीरम था और इस वाले में भी इन्होंने लिखा है कि हाइलोनिक है। ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है, यानी ये मतलब आपके चेहरे के एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। वन मास्क इज इक्वल टू वन वीक ऑफ सीरम। इसकी प्रूवन एफिकेसी में लिखी हुई है कि 15 मिनट के बाद स्किन इंटेंसली रिहाइड्रेटेड हो जाएगी, स्किन रीबैलेंस हो जाएगी और आगे पता नहीं क्या है, स्टिकर लगा दिया इन्होंने। एक वीक के बाद इन्होंने लिखा है कि टी जोन जो है वो मैटिफाई हो जाएगा और स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, पोर्स लेस विजिबल होंगे, शायद ये लिखा हुआ है कि पोर्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसे कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ फिगर बना करके दिया हुआ है। 32 ग्राम है और यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यूज बिफोर है, नेट कंटेंट है, प्राइस है, ये सारी चीज़ें इस स्टिकर पे लगी हुई हैं। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। अब इसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे। तो मैंने बालों को पीछे टाई कर लिया है ताकि बाल ना आ जाए और इसे मैं ओपन करने वाली हूँ। इसे अप्लाई करने का मेथड मैंने पिछले वाले में ही बताया था, पिछला सकुरा मास्क जो मैंने उसका रिव्यू दिया था उसमें बताया था कि जो ब्लू वाला साइड होता है उसको ऊपर रखना होता है, जो व्हाइट वाला साइड होता है उसको अपने फेस पर लगाना होता है। इसको ओपन करने के बाद ऐसे प्लेस करना होता है, उसके बाद एडजस्ट विथ योर फेस शेप। अब अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए एंड देन रिमूव ब्लू वाला लेयर जो है उसको रिमूव करना है एंड देन अगेन एडजस्ट इट। और ये ब्लू वाले लेयर को मैंने बताया था कि इसको फेंकना नहीं है, इसे फोल्ड करके वापस से आपको सीरम वाले जो पैक है उसमें रख देना है। तो इसको वापस से मैं रख रही हूँ इसमें। इसका मैंने यूज बताया था, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इसको कि कैसे रीयूज कर सकते वो लोग ध्यान से देखें। इसको मैंने रख दिया, ब्लू वाले को फेंकना नहीं है, इसमें रख दिया मैंने और अभी बताऊंगी कि क्या करना है। आफ्टर यू आर डन विथ एडजस्टिंग आप इसको रख दीजिए 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। इट हैज़ बीन एग्जैक्टली 15 मिनट्स और अब इसे रिमूव करके देखते हैं कि कैसा है। तो इसे मैं डायरेक्टली रिमूव नहीं करूंगी, इसको रीयूज करने के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब मैंने सकुरा मास्क का किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो ब्लू वाला जो लेयर था इसे जो हमने फोल्ड करके रखा था इसे ओपन करना है और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा सीरम अभी भी बचा हुआ है। तो इसको आपको अपने फेस पे प्लेस करना है और वापस जैसे आपने इसको अप्लाई किया था उसी तरह इसे आपको रिमूव करना है दोनों लेयर को एक साथ एंड देन फोल्ड इट और इसको आप रख दीजिए अपने इसी पैक में। और आप इसको स्टेपल कर सकते हैं या आप टिकटैक क्लिप के हेल्प से इसको लॉक कर सकते हैं ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े। मैं इसको टिकटैक क्लिप के हेल्प से इस तरीके से लॉक कर रही हूँ ताकि ये इवेपोरेट ना हो मेरा और ये मैं दूसरी बार यूज कर लूँ। अब जितना भी सीरम बचा हुआ है उसको आपको मसाज करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। इसके पैकेट पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप वॉश भी कर सकते हैं, बट मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वॉश करिए, क्योंकि ये सीरम है इसको क्यों वॉश करना, आप इसको एब्जॉर्ब करा लीजिए अपनी स्किन में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो मेरी स्किन आई एम फीलिंग लाइक बहुत स्मूथ है सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ की ये बहुत ही सपल है, मीन्स ऐसा लग रहा है बहुत हेल्दी स्किन है, वैसी फीलिंग आ रही है। और ये रहता है 2-3 दिनों तक इसका इफेक्ट रहता है। अगर आपने एक बार सीरम मास्क अप्लाई किया है तो 2-3 दिन तक आपकी स्किन की टेक्सचर बहुत अच्छी रहती है, एकदम स्मूथ और ऐसा दिखता है कि आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड है, बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है। तो इस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो डिफरेंस की बात करें अगर सकुरा व्हाइट और हाइड्रा बॉम फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही स्किन को रिहाइड्रेट करते हैं, दोनों ही स्मूथ बनाते हैं स्किन को। बट जो सकुरा व्हाइट है वो फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छे है क्योंकि वो स्किन को थोड़ी सी ना चिपचिपी बनाती है, बट ये आपकी स्किन को स्टिकी कम बनाता है। ये आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, ये आपकी स्किन को रिहाइड्रेट भी करेगा, बट स्टिकीनेस इसमें कम है। तो दिस इज अ गुड पॉइंट। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं कॉम्बिनेशन
स्किन वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट सक्यूरा वाइट को भी वो लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे पूरा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है फेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। और रही बात इसमें जो भी लिखा हुआ है प्यूरिफाइंग टिश्यू मास्क, तो ये तो अभी एक हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि कितना इसने प्यूरिफाई किया है और कितना मेरे एक्नेज वगैरह कम होंगे। वैसे अभी मुझे एक्नेज नहीं हो रहे बिकॉज आई एम फॉलोइंग सम रूटीन। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।